बीवी का फोन है। हेलो भाई, मेरा शो शुरू हो गया क्या? हो गया तेल ने। अच्छा ये बताओ किसने फोन किया, जल्दी बताओ। क्या पकाना है तुमने शो के बीच में फोन किया ये पूछने के लिए क्या पकाना है? भाई जो रोज पकाती हो वही पकाओ। हाँ हाँ दलिया। ये मोबाइल ना हुआ, गले का पट्टा हो गया, पीछा ही नहीं छोड़ता। कंपक जाने किस मनुष्य ने इसका इन्वेंशन किया है। मैं क्या बोलता हूँ यार शुरू में। हेलो एंड वेलकम। हाँ हेलो एंड वेलकम टू सैमसंग गैलेक्सी वाई डुअर्स प्रेजेंट्स। क्या शो करना है? मूवर्स एंड शेकर्स। एंड फॉर दिस यूनिक सर्विस गिव अ बिग राउंड अप्लॉज टू रबर बैंड। वैसे सुना है दुनिया की एक बड़ी मोबाइल कंपनी ने एक ऐसा फोन तैयार किया है जो अंगूठे के निशान से अपने मालिक को पहचान लेगा और ऑन हो जाएगा। इस खबर के तुरंत बाद सुना लालू जी शाम को घर आए और राबड़ी जी के आंखों पर प्यार से हाथ रखकर पूछा, और राबड़ी गस गस हम तुम्हारे लिए का लाया हूँ। का लाए हैं? लॉलीपॉप। जब देखो लॉलीपॉप लॉलीपॉप तो फिर का लाए हैं? मोबाइल फोन। अगे मैया ये हमसे कैसे चलेगा, इसमें तो बहुत फीचर है भाई। अरे ये अंगूठा के निशान से ही अपने मालिक को पहचान कर अपने आप ऑन हो जाता है। नहीं नहीं हम इसको कैसे चला पाएंगे? अरे बहुत। अरे जब तुम अंगूठे से पूरा बिहार सरकार चला दी तो ये मोबाइलवा का चीज है। सिडनी यूनिवर्सिटी में हुई एक रिसर्च के मुताबिक झूठ बोलने से इंसान को कई बार ज्यादा खुशी और संतुष्टि मिलती है। चलिए हम भी कुछ झूठ बोलकर देखते हैं। एजेंट विनोद एक लाजवाब फिल्म है, इसे ऑस्कर मिलना चाहिए। मिशन इम्पॉसिबल 4 फिल्म में अनिल कपूर ने टॉम क्रूज को पूरी फिल्म में बुरी तरह से ओवरशैडो किया। महेश भट्ट साहब से जब किसी मुद्दे पर उनसे राय पूछी गई तो उन्होंने कहा मैं कभी किसी चीज पर अपना ओपिनियन नहीं देता। और बच्चन साहब ने ट्वीट किया कि मैं अपनी फिल्म देखूं ना देखूं लेकिन मूवर्स एंड शेकर्स जरूर देखता हूं। शेखर जी इतने सारे झूठ बोल के मिल गई खुशी? हाँ तो चेहरे पे दिखाई नहीं दे रही है। तो सर मुझे भी खुश करो ना। हाँ हाँ जरूर, तुम जाकिर हुसैन से भी अच्छे और बड़े तवलची हो। सर हमें भी खुश होना है। ए बकवास मत करो, मैं इतने सारे लोगों को एक साथ खुश नहीं कर सकता। सातवीं कक्षा के एक बच्चे ने अनेकता में एकता विषय पर निबंध कुछ इस तरह से लिखा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारी संस्कृति भले ही अलग अलग हो मगर हमारी सोच एक जैसी। विधायक अश्लील वीडियो क्लिप कर्नाटक विधानसभा में भी देखते हैं और गुजरात विधानसभा में। राहुल गांधी ने कहा हर बात में हां मिलाने वालों की वजह से कांग्रेस पार्टी की छवि खराब हुई। इस पे दिग्विजय सिंह ने कहा हां राहुल जी हां आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। नीतीश कुमार ने कहा बिहार के तमाम नेताओं और अफसरों को अपने दायरे से बाहर निकलकर राज्य की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। सुना इसके फौरन बाद खबर आई कि जेडीयू के एक एमएलए ने फॉर्मर इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का अपहरण करके उनके परिवार वालों से 55 लाख रुपए की फिरौती वसूली। एनवायरमेंट के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए मुंबई के लोगों ने अर्थ आर के दौरान रात को एक घंटे के लिए लाइट बंद रखी लेकिन इसी दौरान जोगेश्वरी के 3 घरों में चोरी हो गई। ये अर्थ आवर था या अनर्थ आवर? वैसे चोरों के लिए अर्थ आर का मतलब है वो आर जिसमें इतना माल हाथ लगे कि उनकी अर्थव्यवस्था सुधर जाए। कर्नाटक विधानसभा में अश्लील वीडियो क्लिप देखते पकड़े गए एक विधायक ने सफाई दी है कि वीडियो मेरे मोबाइल पे चल जरूर रहा था लेकिन मैं देख नहीं रहा था। ये कैसी सफाई है? फिर तो प्रधानमंत्री भी ये कहेंगे 2G घोटाला मेरे सामने चल रहा था लेकिन मैं देख नहीं रहा था। राजस्थान की एक महिला छवि रजावत देश की पहली MBS सरपंच बन गई है। इसमें कोई अचरज की बात नहीं भाई, जब मंत्रियों की कुर्सियों पर ज्यादातर मैट्रिक फेल नेताओं का कब्जा होगा तो MBA वालों को सरपंच ही बनना पड़ेगा ना। दिल्ली में एक नौजवान अपनी कुछ मांगे मनवाने के लिए प्रधानमंत्री निवास पहुंचा और सीधे एक पेड़ पे चढ़ गया। संभल जाइए प्रधानमंत्री जी, ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है, कहीं ऐसा ना हो कि कल आपके सारे गठबंधन सहयोगी पेड़ पे लटके नजर आए। ममता दीदी कहेंगी रेल भाड़ा और घटा तभी पेड़ से उतरूंगी। करुणा निधि कहेंगे जब तक राजा और कानी मोही से मुकदमा वापस नहीं होगा इसी तरह पेड़ से लटकता रहूं। पता चला है कि फिल्म कहानी का क्लाइमैक्स हॉलीवुड फिल्म टेकिंग लाइव्स की कॉपी।
वाकई हमारी फिल्म इंडस्ट्री कई मामलों में एकजुट है। राइटर कहानी चुरा लेता है, म्यूजिक डायरेक्टर गाना चुरा लेता है, डायरेक्टर सीन्स चुरा लेते हैं, हीरो एक्टिंग चुरा लेता है, हीरोइन मेकअप और कॉस्ट्यूम की स्टाइल चुरा लेते हैं। सब कुछ हॉलीवुड का होता है, बस एक ही चीज है जो हॉलीवुड की नहीं होती, फिल्म देखने के बाद दर्शकों की गालियां जो एकदम ओरिजिनल होती है। खबर है कि बीबी जगीर कौर सजा सुनाए जाने के बाद पटियाला जेल से जब कपूरथला जेल पहुंची तो उस जेल के जेलर और कई पुलिसकर्मियों ने उनके पैर छुए। उन्होंने सोचा होगा पैर छूने में ही भलाई है, पता नहीं कब जेल से छूट जाए और जेल मंत्री बन जाए। Our guest on Samsung Galaxy Y Duos presents Movers and Shakers tonight is a damsel forever in distress. Fiercely outspoken and brazenly bold, please welcome the controversial flavor from across the border, Veena Malik! Veena, Veena, Veena! वीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया मूवर्स एंड शेकर्स में आने का। थैंक यू शेखर। इस मलिकाए हुस्न को, मलिकाए आजम को, इस नाचीज गुलाम का सलाम। मालिक का आपका सलाम कबूल करती है। वाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने चर्चे तो बहुत सुने थे लेकिन इस बात का इल्म नहीं था कि पाकिस्तान इतना खूबसूरत। तालियां बजाइए पाकिस्तान के लिए। बहरहाल, आपने जो शो में आने की जो इनायत बख्शी है उसके लिए हम आपका एहतराम करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और पहले से ही जो हम सवाल पूछना चाहते हैं या उसकी गुस्ताखी करना चाहते हैं उसके लिए माफी की उम्मीद रखते हैं। माफ किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको लगता है कि आपने अपने वतन के साथ बेवफाई की और अब सरहद पार करके यहाँ चली आई? मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी एक चीज से मोहब्बत करने के लिए किसी दूसरी चीज को नफरत करना जरूरी है। आई थिंक आप दो चीजों से एक वक्त में मोहब्बत कर सकते हैं। तो फिर ये क्या है, जरा बताइए क्या लिखा है इसमें? लिखा है, हमेशा विवादों में रहने वाली पाकिस्तानी अभिनेत्री वीना मलिक महानायक अमिताभ बच्चन जैसा जीवन साथी चाहती है। अमिताभ बच्चन जी जो है वो मेरे हमेशा से फेवरेट एक्टर रहे हैं, मगर उसके अलावा उनकी जो शख्सियत है बहुत मकनातीसियत है उनकी शख्सियत में, उनकी आवाज में, उनकी उनके दराज कद में। सो आई थिंक मैं अपने जीवन साथी में उनकी जैसी खूबियां जरूर देखना चाहूँ। मोहम्मद आसिफ की जो कंट्रोवर्सी उठी जिसमें मैच फिक्सिंग की वजह से आप जो लोगों को दिखाई दी टेलीविजन पे, आपके वर्शंस आए और फिर आप हिंदुस्तान आई, फिर एक रियलिटी शो में गई, फिर फिल्मों में आ गई, फिर यहीं बस गई, फिर ये क्या एक, एक, एक प्लानिंग थी या ऐसे अचानक होता चला गया और आप बस बरबस उसमें बहती चली गई? आई थिंक शेखर, बिकॉज आप इस तरह की चीजें प्लान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस तरह की चीजें प्लान कर सकते होते तो शायद बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं इस तरह की चीजें। मगर मैं ये समझती हूँ कि मैंने बहुत सारा काम किया है पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में भी मैं बहुत सारा काम करी हूँ, मगर अजीब बात है कि लोग मुझे हमेशा मेरी मोहब्बत के हवालों से जानते हैं। आई थिंक दैट्स ब्यूटीफुल। और इसके लिए भी जानते हैं कि आप एक कातिल हैं। कातिल हैं? Yes, I am a murderer. मर्डरेस। आप हर वक्त किसी ना किसी का कत्ल करते। पर आपने कहीं कहा कि आई बीन वेरी अनलकी इन लव, नन ऑफ माय रिलेशनशिप सो फार हैज वर्क्ड आउट द वे आई ड्रीम दे वुड। आपने कहा, इज इट ट्रू? यस, दैट्स ट्रू, दैट्स माय कोट। क्योंकि हकीकत में ऐसा ही हुआ है। आई ट्राइड कि हर रिलेशनशिप में, जिस तरह हर लड़की होती है, मैं बहुत टिपिकल हूँ हर ताल्लुक में। मैं चाहती थी कि हर रिलेशनशिप जो है वो चले, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं चला। बट इट्स ओके, आई एंजॉय ब्रेकअप्स। You enjoy breakup? Yeah, that's beautiful. When you cry, when there's so much of torture, pain, you enjoy it, don't you? Oh, you have another Meena Kumari here. It's a bahut masochistic mujhe sound kari. Matlab jo dukh mein bhi ek sukh hai, ye kehna cha rahi hai. I think pain is so beautiful. Main jitna fame enjoy karti hu, utna hi controversy enjoy karti hu. Jitna main praise agar aap mujhe karte hain to main enjoy karti hu, utna hi main criticism enjoy karti hu. I think I'm addicted to all this. और जितनी मुझे खुशी से लगाव है उतना ही आई लव द पेन एंड प्लेजर बोथ। इनके लिए ताली बजाइए। बड़ा एक नया थॉट है,
ये एक नया जज्बा है कि आई एंजॉय पेन अ लॉट. एक और विवाद उठा था. आप एक रियलिटी शो में गई थी, उस रियलिटी शो में भी आप काफी कंट्रोल में थी और काफी लोग आपके कंट्रोल में थे. अश्मित पटेल यही सुनना चाहते हैं ना? नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने कुछ पूछा नहीं. और कौन कौन से लोग थे वहाँ? ओके, अच्छा, शायद मैं दिमाग पढ़ लेती हूँ. Or there were various other people. Dolly Bindra was there. What do you have to say about her? I think that's okay. Few people, they have psychological problems. It's okay. They are sick, so that's all right. Ashmit ke saath kis tarah ka rishta tha? I liked him a lot. You liked him or you loved him at that moment? I loved him. I liked him at that moment. Mm-hmm. At that moment. Aur uske baad wo rishta? At that moment and later on for some time. Ye aapki purani aadat. Phir se. No, not really. It takes both the hands to clap. So, agar... No, kabhi-kabhi, ek haath se vitali bache. Dekhai. Dekhe. Aapki ek aur meri ek. Theek hai. Achha, us rishte ke baare mein hum thoda aur vistar mein baat karte hain. Vakt hai ek chote se break ka. Don't go away. Stay with us. We'll be back in a moment. We are talking to Veena Malik.